पावर्ड बाय आईटेल। की एक शाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग के बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर शिकन थी और मन में शंका। अभी अभी उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन पूरी की थी। प्रोजेक्ट पास होगा या नहीं, यह फैसला दरवाजे के दूसरी तरफ होना था। दरवाजे के इस तरफ खड़े थे डॉक्टर कलाम अपने साथी डॉक्टर वी एस अरुणाचलम के साथ। दोनों बाहर की तरफ निकलते हुए उंगली में कुछ हिसाब लगाते हैं। अपने खास प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 400 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम पास होना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर कलाम और डॉक्टर अरुणाचलम दोनों हिसाब लगा रहे थे, 100 करोड़ का बजट ही पास हुआ तो, 200 करोड़ हुआ तो क्या करेंगे। ये सब कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस दौरान दोनों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि प्रोजेक्ट कैंसिल भी करना पड़ सकता है। असफलता की उस रोज कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि दांव पर लगा था भारत का भविष्य। इस घटना के 5 साल बाद ऐसी ही एक रोज सदन में पीएम राजीव गांधी खड़े होते हैं और अपनी बात की शुरुआत करते हैं। सदन को सूचना देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज सवेरे 11:23 पर भारत की लैंड टू लैंड मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण पूरा हो गया है। 1983 में जो मिसाइल सिर्फ कागजों में थी, वो 1988 में बनकर तैयार हो चुकी थी। कैसे बनी पहली मिसाइल, कैसे हुआ इसका सफल परीक्षण, जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी की शुरुआत होती है 1962 से। भारत चीन से युद्ध लड़ा और हार गया। 1971 में पाकिस्तान से जीत मिली, लेकिन सीख दोनों युद्धों में भारत के लिए सेम थी। वो ये कि भारत की सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें सबसे अहम थी मिसाइल। हालांकि उस वक्त तक दुनिया में केवल 4 देशों के पास अपने मिसाइल सिस्टम थे। वो देश थे चीन, अमेरिका, सोवियत संघ और इजराइल। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए जरूरी था कि भारत भी अपने मिसाइल डेवलप करे। ये काम शुरू हुआ 1970 के दशक में। 1970 में DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से PMO को एक चिट्ठी भेजी गई। लिखा था, चीन ने 1000 मील की दूरी तक न्यूक्लियर हमला करने की काबिलियत प्राप्त कर ली है। अगर भारत ने जल्द ही कुछ न किया तो भारत और चीन के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारत को एक और जानकारी दी। चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में 1 मेगाटन की पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका था और अब उसकी तैयारी थी 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने की। सोवियत सूत्रों के अनुसार चीन अगले 5 साल में 100 मिसाइल बनाने जा रहा था, जिसका मतलब था भारत के पास देरी का बिल्कुल भी समय नहीं है, देरी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। घटनाक्रम कुछ यूं बना कि 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने MGK मेनन को एक पत्र लिखा। मेनन तब इसरो के अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। इंदिरा ने इस लेटर में लिखा कि भारत के स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस प्रोग्राम में एक लिंक स्थापित किया जाना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इस वक्त इसरो में काम कर रहे थे। कलाम 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। दोनों मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े थे। एक दिलचस्प बात, यूनियन कैबिनेट ने दोनों प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी डाइसेक्शनरी पावर्स के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किए। ये दोनों प्रोजेक्ट हालांकि फेल रहे, लेकिन इनसे जो सीख मिली वो आगे बहुत काम आई। 1 जून 1982 को डॉक्टर कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी का गठन किया। कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया गया, जिसका नाम था गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम GMDP, जिसके तहत 2 टाइप की मिसाइल बनाई जानी थी, एक लो लेवल क्विक रिएक्शन टैक्टिकल कोर व्हीकल और दूसरा मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस वेपन सिस्टम। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 390 करोड़ रुपए की जरूरत थी। प्रपोजल बनाकर कैबिनेट के पास भेजा गया। डॉक्टर कलाम खुद साउथ ब्लॉक में प्रेजेंटेशन देने गए। इस प्रेजेंटेशन को देखने वाले लोगों में शामिल थे रक्षा मंत्री
आर वेंकट रमन, तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल कृष्ण राव, एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह और एडमिरल डावसन। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर भी वहां मौजूद थे। डॉक्टर कलाम इस प्रेजेंटेशन के बारे में एक जगह बताते हैं, मीटिंग में उपस्थित मेंबर्स को अलग अलग डाउट्स थे, किसी को हमारी कैपेबिलिटी को लेकर तो किसी को फिजिबिलिटी को लेकर। हालांकि सभी मेंबर्स भारत की स्वनिर्मित मिसाइल के आइडिया से काफ़ी उत्साहित थे। प्रेजेंटेशन खत्म होने पर कलाम को सूचना दी गई कि रक्षा मंत्री वेंकट रमन लगभग 3 घंटे बाद उनसे अलग से मिलना चाहते हैं। कलाम और उनके साथी डॉक्टर वी एस अरुणाचलम, जो कि उस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री में साइंटिफिक एडवाइजर के पद पर थे, इस बीच अपने हिसाब लगा रहे थे कि अगर सिर्फ 100 करोड़ सैंक्शन किए गए तो वो इन्हें कैसे अलॉट करेंगे, और अगर मान लो 200 करोड़ सैंक्शन कर दिए गए तो भी हम इनका उपयोग कैसे करेंगे। खैर, जब कलाम शाम को रक्षा मंत्री से मिले तो उन्हें रक्षा मंत्री के प्रस्ताव को सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने कलाम को कहा, अलग अलग फेज में मिसाइल बनाने से बेहतर है कि एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। कलाम अपने शब्दों में इस घटना के बारे में लिखते हैं, हम रक्षा मंत्री के प्रस्ताव को सुनकर भौचक्के थे। कुछ देर के सन्नाटे के बाद डॉक्टर अरुणाचलम ने रक्षा मंत्री से कहा, हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा, आप कल सुबह आइए। उस रात कलाम और डॉक्टर अरुणाचलम ने अपने प्लान पर फिर से काम किया। उन्होंने प्लान के सभी डायमेंशन में सोचा और जब तक उनका काम खत्म हुआ सुबह हो चुकी थी। सुबह उन्होंने रक्षा मंत्री से दोबारा मिलकर उन्हें अपने रिवाइज प्लान के बारे में बताया। रक्षा मंत्री को प्लान पसंद आया और उन्होंने कलाम की ओर इशारा करते हुए कहा, चूंकि तुमको मैं यहाँ लाया हूँ, मुझे तुमसे कुछ ऐसे ही काम की उम्मीद थी, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। इसके बाद रक्षा मंत्री ने उस प्लान को प्रपोजल के रूप में कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया और कैबिनेट ने भी इस प्रपोजल के सभी रिकमेंडेशन को मानकर 388 करोड़ रुपए सैंक्शन करने की अनुमति दे दी, जो समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। इस प्रकार भारत की पहली बार इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMPD की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद एक बड़ा सवाल ये था कि मिसाइलों के नाम क्या रखे जाए। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि टीम के सभी उत्साहित मेंबर्स ने अपने अपने नाम सोच रखे थे। अंत में सलाह मशवरे के बाद कुछ नाम तय हुआ। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टेक्निकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एक एंटी टैंक मिसाइल भी इनमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया नाग। और कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी कि री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। 27 जुलाई 1983 को डॉक्टर अरुणाचलम के द्वारा IGMDP आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया। इस इंटीग्रेटेड प्लान के तहत सभी मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हो गया। इसी कड़ी में पृथ्वी मिसाइल का जिम्मा सौंपा गया कर्नल VJ सुंदरम को, जो भारतीय सेना के EME कॉर्प्स से ताल्लुक रखते थे। काम जोरों शोरों से चल रहा था, आए दिन दिल्ली से इसकी खबर भी ली जाती थी। प्रोजेक्ट में मिल रही निरंतर सफलताओं से खुश होकर उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1984 को DRDL विजिट किया, जहां उन्होंने 1 घंटे के अपने दौरे में IGMDP के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली। दौरा खत्म होने के जस्ट पहले इंदिरा ने डॉक्टर कलाम से पूछा, आप पृथ्वी का परीक्षण कब करने वाले हैं, जिसके जवाब में कलाम ने तत्काल कहा, जून 1987 में। मिसाइल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक बड़ा सपना था, लेकिन वो इसका परीक्षण देख पाती इससे पहले ही अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। उनके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के बारे में डॉक्टर कलाम लिखते हैं, राजीव गांधी में एक बच्चे के समान जिज्ञासा थी। लगभग 1 साल पहले जब उनकी माँ श्रीमती गांधी हमसे मिली थी तो उनमें धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखा था। कुछ ऐसे ही राजीव गांधी में भी मौजूद था, हालांकि थोड़े अंतर के साथ। मैडम गांधी एक टास्क मास्टर थी, जबकि राजीव करिश्मा से काम चलाते थे। DRDL के लगभग 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद साल 1987 के अंत में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। अब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। बालासोर के टेस्ट रेंज निर्माणधीन थी, इसलिए पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण स्पेशल अरेंजमेंट से श्रीहरिकोटा रेंज में करने का निर्णय लिया गया। 25 फरवरी 1988, ये वो तारीख थी जब भारत की पहली सतह से सतह मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यहाँ से जो शुरुआत हुई वो आगे बढ़ती गई।
पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक सहित सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की और भारत न सिर्फ मिसाइल डेवलप करने वाला देश बना बल्कि दूसरे देशों को मिसाइल बेचनी भी शुरू की। मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हम आज देखते हैं उस सब की शुरुआत हुई थी एक सपने से, सपना भारत को दुनिया में आगे बढ़ाने का। बहरहाल इसी के साथ आज का तारीख समाप्त करते हैं। आपको ये कैसा लगा एपिसोड हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लिखा था मेरे साथी कमल ने। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए, दिलचस्प किस्सों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।